गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 और आज है शुक्रवार, दिन है, तारीख है 6। और ए बेटा रुक जा, अपना लगे पड़े आएंगे हैं। तो और ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस और फिलहाल मैं अपना काम कर रही हूँ यहाँ पे, और ये काम निपटाने के बाद आज कहीं जाना भी है तो जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। ऐना के पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे ऑफिस से, तो कहीं जाना भी है और वहाँ पानी गर्म लगा दिया है मैंने, ये नहाएंगे गौरव। तो आज का दिन ऐसा है कुछ, और मैं अब करती हूँ अपना काम और निपटाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ऐना के पापा 10 बज गए हैं। थोड़ी बहुत देर में, शायद आधा एक घंटे में वापस आ जाएंगे, फिर जाना है हमें, तो मिलते हैं फिर आपसे। सो गाइस, हम निकल लिए हैं अपने घर से और मन्नू ये बैठी है और इधर गौरव बैठे हैं। है ना, हाय कर दो बेटा। हाय मम्मा, हाय हाय, आप भी हाय कर दो। मैं भी कर दूं हाय। हाय। सो गाइस, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, 10:30 बज चुके हैं और फिर भी बहुत ज्यादा कोहरा है। और अब बस हम निकल लिए हैं, गाड़ी में तो खैर ठंड नहीं लग रही पर बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो देखो, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। जी आगे बैठे हैं और हम पीछे बैठे हैं क्योंकि थी, और ये देखो ये बाग है यहाँ पे और बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है, बहुत ही ज्यादा। हाय मनु। हाय। हेलो, आप भी कर दो हेलो। है सुना रे, देखो हाय। हेलो हेलो। हाँ बेटा। हाँ जी, तुम आ गई? मैं ट्रिप में जा रही हूँ। ट्रिप में जा रहे हो तुम? ठीक है, मैं गाड़ी देख रही हूँ। मेरा मन्नू उठ गया छोके, देखो आगे। जय भोले भोले बाबा, रुको एक मिनट। जय भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की, रुक जाओ। जय हो गंगा मैया की, देख कैसे नहाई नहाई कर रहे हैं ना सब, बाबा बैठे हुए हैं इतने सारे। इतनी बड़ी आई तो बाबा क्या कर लिया? बाबा नहाई नहाई कर रहे हैं बेटा। उस टाइम पे है ना, रश रहता है यहाँ पे। हाँ। तो उसी टाइम पे इनकी कमाई होती है, सब सलाह कर लेते हैं कि 1000-1100 से तो कोई रूम नहीं देगा। हाँ, फिर छुट्टियों का टाइम था ना वो। वो टाइम मम्मा मैं की जगह नहीं रहती। मम्मा मैं वो तो हमने डबराल से कह दिया, मम्मा मैं 1500 में लेना पड़ता था। ये जो कुत्ता है हमारा, कुत्ता फरीदाबाद वाला, उसके भी अपने बना रखे हैं 4-5 कमरे ऐसे ही। शूज उतर गए ना के? मम्मा मैंने सीधे कर लिया। कर लिए? सो गाइस, हम पहुंच गए थे, जो ऐना के पापा को काम था तो वहाँ पहुंच गए थे, तो इनको थोड़ा सा वेट करना था यहाँ पर, तो हम यहाँ बैठ गए थे बाहर ही पार्क में और वेट कर रहे थे। और ऐना के पापा का यहाँ से काम हुआ था तभी हम यहाँ से निकले थे, और यहाँ ऐना अपनी मस्ती में थी और खेल में थी, तो मैंने सोचा। और यहाँ पर धूप भी बहुत निकल रही थी, हमारे यहाँ पर इतनी धूप नहीं है, बाकी देहरादून में बहुत धूप थी और हरिद्वार में भी। तो हम इसके बाद में जाएंगे हरिद्वार, और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करी इन बच्चों ने भी, और ये ऐना तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रही थी यहाँ, खूब लटक लटक के खूब मस्ती कर रही थी ऐना। अरे हाथ फिसल जाएगा, गिर जाएगी ऐना, हाथ में लग जाएगी बेटा। देखना इसे है, देखना इसे, कहाँ बैठे हो ना? देखो हाय, देख इधर, पापा
रखे तुझ। सो गाइस जो हमारा काम था वो हो गया और ऐना को भूख लगाई तो ये खा रही फिलहाल चिप्स। और हम अपने लिए खाना लेके आए थे घर से, आलू गाजर की सब्जी और पराठे और अचार। ये रही हमारी आलू गाजर की सब्जी और ये पराठे रखे हुए हैं और इसमें है अचार, तो बस अब ये खाएंगे हम कहीं गाड़ी रोक के। तुम्हारे लिए इसमें सब्जी कर दो ना। दे दे बस, तो किसे दे दे। मैंने हट ले, खाली खड़ो क्या अभी आप जब ले आएंगे। है ना बेटा हटी। है ना क्या कर रही है तू? कहते मम्मा खाना रख लिया आप सबके लिए। सबके लिए खाना रख लिया मम्मा। क्या कर रहा है तू? हेलो उसकी जो भी आईडी उसमें रजिस्टर्ड कर दो। ऐसे खाते हैं रोटी? हाँ, फिर वो कुछ सही से खाओ। वो उसकी डिटेल मांगेंगे, फिर डिटेल दे देना बस, वो रिसेट कर। बिग बर्ड आउट लग गया। गंगा जी यहाँ है, पार्किंग आगे चल के है। सब में दर्द हो गया मेरे, जाम ही रहता है भैया यहाँ हर वक्त। कितनी प्यारी लग रही है दुकानें, है ना, इतनी बड़ी पार्किंग है। ही कोने में घुसा दिखाई आई मैं, ज्यादा आगे ना ले जाओ। अरे वही है था अपनी से है, देखो है, देखो 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 वीडियो में आ जाओ सारे ना। ना देख, ना देख। हाय कर दो हाय। सो गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और हम गए थे देहरादून, ऐना के पापा का काम था कुछ तो उन्हीं के साथ गए थे। हमने सोचा कि घर पे अकेले ही क्या करेंगे और ये गौरव भी आ रखे थे तो मैंने सोचा चलो साथ में अपना ये भी घूम आएंगे और हम भी घूम आएंगे। तो हमारा काम तो हो गया था देहरादून में, वहाँ से लौटते समय हमको ऐसे कोई 5:30-6 बज गए थे। हाँ 6 बज गए थे। तो मैंने इनसे कहा कि अब यहाँ तक आए हैं तो चलो हर की पौड़ी के दर्शन ही करते चलें, क्योंकि अब आ तो मैं पहले भी रखी हूँ पर टाइम हो गया था मुझे आए, तो मैंने सोचा चलो मन भी था मेरा कि चलो हम चलते हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ पर और हमने सोचा कि हमें गंगा आरती मिल जाएगी देखने को, पर वो नहीं मिल पाई क्यों यहाँ पे अब ठंड है ना ज़्यादा, तो उसकी वजह से जल्दी गंगा आरती हो जाती है 5:30 बजे ही। और हमने सोचा कि 7 बजे तक होगी तो शायद हम देख लें, पर ऐसा कुछ नहीं था। हाँ और ठंड की वजह से भीड़ भाड़ भी बहुत कम थी, मतलब हम गए पिछली बार जो जून में गए थे तो तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि छुट्टियों का टाइम था, और अब फिलहाल ठंड भी है तो उसकी वजह से लोग बहुत कम थे और भीड़ भाड़ भी बहुत कम थी। और यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और एकदम सुकून सा मिलता है ना, तो वही चीज़ थी। और इतनी ठंड थी ना गाइस बहुत ज़्यादा, और अपना ये जल है गंगा जी का तो इसकी लहरें इतनी आ रही थी ना ठंडी ठंडी, और बहाव भी खूब था गंगा जी में। तो बस हम पहुँच गए यहाँ पर हरिद्वार और आप भी दर्शन कर लो हरिद्वार के गंगा माता के, तो हमने तो कर लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर भी कम भीड़ कम है बहुत, है ना, है ही नहीं, एक तरह से नाम मात्र के लिए रह गई है। हम इससे आगे हमेशा वहां रुकते हैं ना, वहां पे आगे थोड़ी सी और जाके। सो गाइस हम आ गए हरिद्वार और बहुत ठंडा है यहाँ तो, और इतना बहाव है ना गंगा जी का, अभी दिखाऊंगी चलो आपको। चलो ना वो दिखाऊं मैं बहाव, देखना कितना है, इतना ही है जितना पहले था ना जब हम आए थे जून में। यही तो हम रुकते हैं शायद आगे।
नहाने वाले तो अभी नहा रहे हैं, देखियो वाह। हाँ आ जाओ। ना भाई मैं नहीं नहाती। हाँ जूते उतार लूँ ना। भैया गंद मचा देता है गंगा जी में। ये बहाव तो खूब हो रहा है ना, थोड़ा सा कम है ना। ये जंजीर जो थी तब और ऊंची थी, पर बहाव तेज है ना। बहाव तो ऐसे लग रहा है क्योंकि नहा नहीं रहा ना, तो ऐसे लग रहा है कि उससे ज्यादा है उससे कम है थोड़ा। जब हम जून में आए थे कितना बहाव है गंगा जी का। मम्मा क्या कर रही है? दिखाओ देख उसको। आरती का समय चल रहा है, गंगा आरती का समय चल रहा है। कैंडी लो कैंडी कैंडी अभी लेंगे बेटे, रुक जा पापा लेंगे। ये रहा मनु का कहाँ, ये रहा। तू जा करो देखो, थोड़ा सा ऐना के लिए लिया ना। हाँ फिसलन हो रही है। ले लो एक छोटी सी कट्टी जो है, छोटी वाली ले लो, छोटी वाली, ये वाली बिल्कुल छोटी वाली। हाँ और क्या, ये ले लो तो कितने की है? कितने की भैया? ये वाली 40 की है, 40 का है, ये 50 का है, 60 का है। यही ले लो फिर 40 वाली। ये 40 और ये 20 की, ये ये ले लो फिर। हाँ 10 रुपए में वो क्या हुआ है ना। दिखाइए क्या आवाज आ रही है।
है ना, बजा के दिखाओ, बजाओ ऐसी मुंह से लगाओ। देखो देखो वो बाप के साथ अभी उसमें भीड़ होती है, ये जो थी भर लो अब बंद होगी वो, या भर के ऐसे चले जाओ, तो ऊपर ऐसे चले जाओ। क्या बजा रहा है ये? पीपनी, पीपनी बजा रहा है। और अब ऐना के पापा भरने लग गए थे यहाँ पर जल, और हमने ये कटी ली थी कि चलो घर के लिए थोड़ा सा जल ले चलें, तो बस यहाँ पर ऐना के पापा भरने लग गए थे जल गंगा जी में से। पहले तो और भी कम था जब हम आए थे, नहीं ओपन है ना, ना गिर गए, दे यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ वहाँ से टूट के, नहीं वो खुला पड़ा, रुक वो सामने जो मंदिर है ना उसके पास, आती कितने बजे होगी भाई, कितने बजे होगी आरती खत्म हो गई, बोलो भी इधर रहिए, बोलो वो काट रखा है ना पानी, बस बस। अच्छा ये जगह छोटी, आधा आधा उधर, हाँ इधर आ जाओ, काट रखा ना पानी उधर से। सो गाइस अब हम चल दिए थे अपने घर दर्शन करके वहाँ से, और बहुत रात हो गई थी, मतलब ऐसे कोई 7 बज गए थे, पर ठंड में तो ऐसे लगता है कितनी रात हो गई, और हम चल दिए थे अपने घर, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, और हमें बीच में नीलगाय वगैरह भी मिली थी, पर धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे ऐना के पापा। और वहीं यहाँ घर आने के बाद में मैंने यहाँ सबसे पहले रखा अपना दूध गर्म होने, क्योंकि मेरा सुबह से दूध गर्म नहीं हुआ था, और उसके बाद हम घर और दूध गर्म करने रख दिया था मैंने, उसके बाद हम वहाँ से बाहर से खाना लेके आए थे, क्योंकि इतनी ठंड थी ना और लेट भी हो गए थे, तो फिर खाना बनाने का इतना मन नहीं था, तो ऐना के पापा ने सो कहा कि चल बाहर से ही ले लेते हैं, तो फिर हमने घर बाहर से ही अपना सब्जी रोटी ली थी, और फिर अपना आराम से बैठ के खाया, और कुछ भी मत करो फिर भी थकान सी हो जाती है, पर बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। और ये मैं खोलने लग गई हूँ अपना जो मैं हम खाना लेके आई थी वो, तो मैं लेके आई थी वहाँ से, हम लेके आए थे मतलब, तो हमने इसमें ली थी दाल मखनी और
मिक्स वेज और रोटी, तो यही सिंपल खाना लिया था और खाने लग गए थे। मैं तो यहाँ पर सबके लिए रख कर रही थी, मैंने कहा पहले गर्म है तो पहले आप खा लो, मैं इतने अपना बाकी का काम निपटा लेती हूँ। तो बस यही मैं करने लगी थी अपना खाना। तो ये रहा हमारा खाना, दाल मखनी, मिक्स वेज और रोटी और साथ में सैलेड, और बहुत ही टेस्टी सब्जी थी, बहुत ही मज़ा आया और पेट भर गया हमारा। सो गाइस, हम आ गए घर और मैंने सबको खाना पीना दे दिया है, मतलब ऐना और ऐना के पापा को और गौरव को, तो तीनों खाना खा रहे हैं अभी। और यहाँ मेरा गैस भी दूध गर्म हो रहा है, तो मैं अभी मन नहीं कर रहा खाने का, तो मैं खाऊँगी थोड़ी देर में। और फिलहाल उनको खाना दे दिया है। बाय गॉड, बहुत ज़्यादा ठंड है कसम से यहाँ, और ज़्यादा यहाँ तो धूप भी नहीं निकली आज, और यहाँ तो निकल ही नहीं रही 5-6 दिन से, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आ गए हम और दर्शन कराए, मतलब वहाँ गंगा जी के भी मथा टेक किया है वहाँ पे, और हो गया। तो गए सभी, हम खाना खा लेते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे। और सारा खाना वाना खाने के बाद में, उसी के आधे एक घंटे बाद में आ गई थी रसोई में कॉफ़ी बनाने, क्योंकि ऐना के पापा ने कहा था कि आज दूध नहीं पीना, आज मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो बस मैं यहाँ कॉफ़ी बनाने आ गई थी हम तीनों के लिए। और गैस हमने कॉफ़ी पी ठंड में गरम गरम, बस बढ़िया लगा। और गैस इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने सब्सक्राइब करा है उनके लिए भी बहुत बड़ा थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। और अभी के लिए बाय बाय, सभी को गुड नाइट। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा करने का। सो अभी के लिए बाय बाय।